परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, तो एक भुजा ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप कर देगा। बी सी जो है वो त्रिभुज का आधार है, मतलब जिसके त्रिभुज रेखा वो क्या, त्रिभुज का आधार है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या ऊंचाई है, ठीक है, ये कोई बिंदु मान लो डी मान लो, तो बी सी क्या है, बी सी आधार है और ए डी क्या है, ए डी ऊंचाई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो बड़े आधार बड़े ऊंचाई होता है। यही है, कोई भी त्रिभुज हो तो अगर उसकी ऊंचाई पता है, आधार पता है, तो क्षेत्रफल निकालो।